अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। तो दोस्तों मेरा नाम हमाद अली है और कोरियन टेक 24 जो चैनल है वो मेरा है। उसके ऊपर मैंने जो लड़के पाकिस्तान में टेस्ट दे रहे हैं टोपी का टेस्ट जो दे रहे हैं कोरिया आने के लिए, तो उनके मतलब मैंने काफ़ी जो है ना सिलेबस अपलोड किया था। तो अभी जिन लड़कों के पेपर हो गए हैं तो उनको स्किल टेस्ट में जो स्किल टेस्ट देना होगा उसमें जो इंटरव्यू होगा, तो बहुत सारे लड़कों ने मुझे SMS किए हैं कि प्लीज़ सर उसका जो इंटरव्यू है तो वो बनाएं। तो ये मेरे साथ टीचर है मेरी, तो मैं इनके साथ आज मिल के जो है थेवा करूँगा, कोरियन ज़बान में मुकालमा करूँगा। तो ये मुझसे सवाल करेंगे जैसे आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मैंने सब दोस्तों को PDF अपनी सेंड की हुई है, PDF की जो है ना सेंड की थी कि आप सारे भाई ना उसके मीनिंग्स याद करें। तो अभी मैं वो कैसे आपसे पूछेंगे और कैसे आपने जवाब देना है वो हम आपके साथ वजाहत करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और जिसकी चीज़ की समझ ना आए वो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वजाहत के साथ बता दूंगा। और ऑलरेडी सब दोस्तों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर तो हो गई, तो अभी हम थोड़ी देर के बाद 2-4 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये आप सारे भाई जो है इनका प्रिंट निकलवा लें जो मैंने आपको PDF सेंड की है, और अपना बाद में उर्दू एक एक लफ्ज लिख लीजिएगा। तो अभी ये आपको अपना तारफ करवाएंगी, तो सोगे सुनसिनी। 안녕하세요 여러분, 저는 자연입니다. 영어 이름으로는 Rose입니다. 저는 최근에 유튜브에서 한글을 가르치는 영상들을 올리고 있어요. 제 채널도 많이 사랑해주세요 여러분. 뭐 कह रही है कि उसने अपना नाम बताया और वो YouTube पे ना अपना चैनल बनाया है। उसने कहा कि मेरा भी चैनल है तो उसको आप प्यार के साथ जो है ना बढ़ाएं, हेल्प करें मेरी ना। तो आपको मैं बाद में इसके चैनल का नाम भी बताऊंगा लिख के, तो आप ज़रूर हो सके तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लड़के बेसिक सीखना चाहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हैं वो अभी सीख रही हैं ज़ुबान, व्हाट्सएप पे मेरे साथ जो है ना वो अटैच हैं, तो जो इंग्लिश को बेहतर जानते हैं उन्होंने इंग्लिश में बताया हुआ है, तो आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। तो ठीक है ना, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं हो सकता है कि इनके चैनल पे भी अपलोड करूँ, तो आप उधर भी इसको देख सकेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले हम अपने छागी सो गए हैं, उसके बाद है जो है ना हिंगदोंग छिशियो, उसके बाद है जो है ना छिकोगी छोन छिकोगी छोनंगद्यो छोनंगद्यो, उसके बाद है तो ये 3-4 है। तो अभी हम जो है ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ये अभी मुझसे पूछेगी और मैं आपको मैं इसको जवाब दूंगा, और आप सारे भाई इसको ध्यान से देखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपको कोई मसला ना है और आप इजीली पास कर सकें। तो सोचे नीम शीजा का किस निंदा शीजा का पिछड़ा सब पंचे ने हंगू का किचो देहा बेसिक कोरियन कन्वर्सेशन जी। इसने कहा कि जो है ना छोबोनचे कहते हैं सबसे पहले को, फर्स्ट को। उसने कहा कि हंगू को खींचो थेवा, यानी कि जो है ना बेसिक कोरियन कन्वर्सेशन। तो अभी ये मुझसे सवाल करेंगे जिस तरह हम तो तकरीबन सारे करेंगे ना, लेकिन उधर वो आपसे 4 या 5 करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप छागी सोगे भी आप कह सकते हैं। तो अभी ये मुझसे पूछेंगी तो अभी मैं बताऊंगा सबसे पहले आपने क्या करना है। अन्यवासियो सबसे पहले आपने उधर जाना है ना, तो आपने सबसे पहले उनको जाकर इस तरह जो है ना अन्यवासियो का जो है ना इंसा करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर वो आपसे आपने फिर क्या कहना है उनको। मन्ना सो फंगप्समिदा, मन्ना सो फंगप्समिदा, इसका मतलब होता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। सोनसे नीम छोनन पाकिस्तान मालो सोलमंग हा वो सोनसे नीमन योंगोरो सोलमंग है तुसे यो। नाइस टू मीट यू, मन्नासो फंगप्समिदा। हाँ वो कह रही है कि जो मन्नासो फंगप्समिदा का मतलब है ना कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, इंग्लिश में उसको नाइस टू मीट यू कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे नंबर 3 है। तो अभी ये दो चीजें तो हर एक बंदे को पता होगा जो कोरियन लैंग्वेज अटैच है। तो अभी हम नीचे जो है ना शुरू करने लगे हैं, तो अभी आप देखें इसको। नाई गा म्योसाल इन्निका, उसने कहा कि नाई कहते हैं उम्र को, म्योसाल इन्निका कितनी है। तो अभी आपकी जितनी उम्र होगी आपने उस तरह से इसका जवाब देना, जैसे मैं कहता हूँ कि छो नन सुमुल योदल साल इन्नी दा, मैं 28 साल का हूँ। छो नन छे नाई नन, मेरी उम्र सुमुल योदल साल इन्नी दा, मेरी उम्र 28 साल है। In English is how old are you? And respond and I'm 저는 25살입니다. In English I'm 25 years old and तो ये अभी इंग्लिश में भी आपको बता रही है कि इसकी उम्र 25 साल है।
तो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसका मैं एक एक लफ्ज का मीनिंग उर्दू में भी लिखूंगा। इंग्लिश तो लिखी हुई है, जिन्होंने भी पीडीएफ में जिन्होंने वसूल की हुई है उनके पास है। अभी मैं ये जो एक एक फिक्र है उसके साथ उर्दू भी लिखूंगा। तो सेंगिरी ओंजे निका, कि आपकी बर्थडे कब है। सेंगिल कहते हैं बर्थडे को, ओंजे निका कब है। छे सेंगिलन, मेरी बर्थडे छन खूफे खुशी न्यन 1990 जो साल है। शिवल दसवां महीना, शिप सामिलल इमनिदा जो है ना वो दसवें महीने की 13 तारीख है। छे सेंगिलन छन खूफे खुशी न्यन शिवल शिप सामिलल इमनिदा, ऐसे भी आप कह सकते हैं और आप इस तरह भी कह सकते हैं। छो नन, मैं छन खूफे खुशी न्यन शिवल शिप सामिलल थेओ नासमिदा, कि मैं जो है वो 1990 को दसवें महीने की 13 तारीख को पैदा हुआ था। कृको जे सेंगिलेन जे सेंगिलेन 2월 8일입니다. That English is my birthday is 8th of February. तो समझ आ गई दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सारा अपना इंग्लिश भी इस्तेमाल कीजिए करें, तो इसको इंग्लिश आती है, मुझे तो नहीं आती, तो ये मैंने इसको कहा तो वो कह दिया चलो मैं इंग्लिश में करती हूँ। तो आगे नेक्स्ट है जो है ना थम। 그리고 결혼했어요? 결혼했어요, 결혼 का मतलब होता है शादी, 했어요 हो गई है, यानी कि इससे पूछना है कि आपकी शादी हो गई है या नहीं हो गई। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपने कहना है कि ने 했습니다, हाँ हो गई है। अगर नहीं हुई तो आपने कहना है 아니요 안 했습니다, या 아니요 아직 안 했습니다 भी आप कह सकते हैं, कि यानी कि अभी नहीं हुई है। अब दोस्तों परेशान ना हो कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह एक एक लफ्ज का नीचे मीनिंग्स उर्दू में लिख के आपको सेंड करूंगा। 그리고 결혼했어요 means in English are you married and 네 결혼했습니다 is yes I'm married and 아니요 저는 결혼 안 했습니다 is no I'm not married. 이거는 하는 오케이 말하는 거예요. In Hinduoro. Hindu어 말고 파키스탄 무슬림 사람들은 파키스탄 사람들은 하 오케이 비슷한 말이에요. 네 한국말로 네 하고 비슷해요. 가족이 몇 명입니까? 가족이 몇 명입니까? 아프기 패밀리에 कितने अफराद हैं? तो देखें दोस्तों, हर जितने भी दोस्त हैं हर दोस्तों की फैमिली के मुख्तलिफ अफराद हैं। जैसे हमारी फैमिली के हैं 7 अफराद, तो मैं कहूँगा कि उरी खाजोकन हमारी फैमिली के इल्गु म्योंग इमनीदा, हमारी फैमिली के 7 अफराद हैं। उरी खाजोकन इल्गु म्योंग इमनीदा। कृको खाजोगी म्योंग म्योंग इमिका इन इंग्लिश हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव एंड रिस्पॉन्ड जे खाजोकन 세 명입니다। तो क्रम आका फेनन कु खाजो को हंगजेगा हंगजेगा मेन म्योंग इमनिका हंगजेगा मेन म्योंग इमनिका। तो दोस्तों ये देखो, मैं अभी ये पाकिस्तान में एक बड़ी डिफरेंट चीज है यहाँ पे, कि लोग समझते हैं कि खाजोक और हंगजे एक ही चीज है, लेकिन ये मुख्तलिफ है। देखें खाजोक जो होती है ना, ये फैमिली आपके साथ माँ बाप भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, वो होती है खाजोक। और जो होती है ना हंगजे, हंगजे होता है जिसमें आप बहन भाइयों का बासी करो होता है, ठीक है ना, वालदेन को निकाल के। तो मेरे फिर जो है ना, हम अगर 7 हैं तो फिर अगर वालदेन निकलेंगे तो फिर कितने रह जाएंगे, 5 है। उरी हम जेगा था सोत में होंगी नहीं था। कृको क्रम आएगा मेन म्योंग इमिका आएगा क्यों ना ऐसा होता क्या आएगा क्रम्यां आएगा ऑप्शनीदा आएगा ऑप्शनीदा भी आप कह सकते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरे बेटा है या बेटी है, जो भी आप कह सकते हैं। अगर बेटा हो तो आदल और बेटी हो तो ताल, ठीक है ना, आप ऐसे भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कीगा म्यो सेंटीमीटर इमिका की कहते हैं बंदे की हाइट को, कद को। म्यो सेंटीमीटर इमिका के कितने सेंटीमीटर है। जैसे मैं कहता हूँ कि छे खी नन फेक छिलशिप सम सेंटीमीटर इमनीदा, कि मेरा कद छे मेरा खी कद फेक छिलशिप सम सेंटीमीटर इमनीदा 173 सेंटीमीटर है। छायों सी खी ने वो तो कैसे बीमी लिया आज सुन रहे हैं मैं देखो
다음 질문. 아니, 지금 전명 제안해서 사람 기다리고 있잖아요. 안 하고요? 안 하고 싶어요? 제 키는 157cm입니다. 이스네 가게 미라카 조에 155cm라. 다음 질문. 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? 아비 요 타임 해보 क्या हुआ है? 지금 अब 몇 시입니까? 타임 क्या हुआ है? 안 보이네. 여기 देखो. 여기 देखो. 얘 देखो. 아비 오에 5:55분 होया तो तब अभी आपने 5:55 नहीं उधर बताने उधर आपने देखना के सामने घड़ी लगी होगी जब वो आपसे पूछेंगे तो आपने देखना टाइम जैसे उधर 2:20 हुए हैं तो आपने कहना है मिसाल दे रहा हूं मैं ना कि यानी कि 2:20 हुए हैं तो थूशी इशिबुन अगर 3:30 हुए हैं तो सेशिफान इसी तरह अगर 5:25 हुए हैं तो आपने कहना है थासोशी इशिब ओबुन इस्मिदा तो ये देखें अभी इधर देखें आपने ये अगर ऐसा टाइम होगा तो आपने कहना है थासोशी ओशिब न्यूकबन इस्मिदा इम्नीदा थासोशी ओशिब युकबन इम्नीदा आप ऐसे भी कह सकते हैं ठीक है ना आई गेस सो समथिंग नी आप सुनोगे आंसू को यो ओ 이거 괜찮아 다음 오늘은 무슨 요일입니까? 오늘은 무슨 요일입니까? 아직 कौन सा दिन है? 오늘은 आज 무슨 कौन सा 요일입니까? दिन है. 오늘은 일요일입니다. 아직 इतवार है. 야, 아까 पूछे 소모바르 हो, मंगल हो, तो आपको मुंबो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है ना, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरा, जुमा को क्या कहते हैं, तो वो आपने अच्छी तरह से याद करके जाना है, ठीक है ना? तो जो दिन उस दिन होगा वो आपको पता होना चाहिए. अगर सोमवार है तो आपने कहना है ओनलन वरियोइल इमनीदा, अगर मंगल है तो आपने कहना है ओनलन होयोइल इमनीदा. क्रम नेइलन मुसन योइलिम्निका, नेइलन मुसन योइलिम्निका. उसने पूछा कि अगले दिन जो है यानी कि कल जो आने वाला कल है कौन सा दिन होगा. अगर आज इतवार है तो फिर कल क्या होगा, सोमवार. नेइलन वरियोइल इमनीदा, नेइलन वरियोइल इमनीदा. अगर आप जो है ना दे रहे हैं इंटरव्यू उधर, तो आपसे उसने पूछा है बुध को, तो आपने फिर जुमेरात का बताना है, ठीक है ना? अगर बुध होगी तो फिर आपने जुमेरात का बताना है, क्योंकि ओनल नेइल ओजे ये तीन आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना? ओजेनन गुजरे हुए कल, मुसन कौन सा योइरल निका दिन था, गुजरे हुए कल कौन सा दिन था. तो यानी कि आज अगर इतवार है तो फिर गुजरे हुए दिन हफ्ता था ना, तो फिर हम क्या कहेंगे, ओजेनन थोयोइर इमनीदा. अच्छा, इधर मैं आपको एक बात बताऊं कि गुजरे हुए वक्त में ना संग सियोत का इजाफा करते हैं, ठीक है ना? तो आप, मैंने इससे पूछा है, थोड़ी हुई है थोड़ी सी इससे बातचीत पहले, कंजर्वेशन हुई है, तो इसने मुझे कहा था कि आप ऐसे भी कह देना कि ओजेनन थोयोइन इमनीदा, के जो है ना गुजरे हुए कल हफ्ता था, ऐसे भी ठीक है. और अगर आप कहें ना ओजेनन थोयोइरियोस्मिदा, के गुजरे हुए कल जो है हफ्ता था, तो ऐसे भी ठीक है. आप वैसे इमनीदा का इजाफा कर, इमनीदा मारे तो खिंचन से हो, खिंचन आया. आप इडियोइल अकेला इमनीदा भी कह देंगे तो ठीक है, ठीक है ना? वो कह रही है. ओनलन म्योचिरिम्निका, ओनलन आज, म्योचिल जो है ना कितना, इमनी का दिन है, यानी कि वो पूछ लिया कि आज डेट क्या है, तो आपने फिर उसको जो डेट होगी उसको आपने बताना है. ओनलन छिरवल इशिप इले, ओनलन छिरवल इशिप इले लिमनीदा, के आज 7वें महीने की 21 तारीख है. ये मैंने डेट का भी बड़ी तफसील के साथ बताया हुआ है अपनी वीडियो में, तो आप उसको देखें, जो बंदा देख लेगा उसको कोई मसला नहीं होगा, आप इजीली देख सकते हैं. क्रम नेइलन मिओचिरिम्निका, हाँ, तो देखें ये सारे मिलते जुलते हैं सवाल, कि जो है ना कि आने वाले कल कौन सा दिन होगा. नेइलन मुसन मिओचिरिम्निका, के आने वाले दिन कौन सा दिन होगा, तो फिर अगर आज यानी कि क्या डेट होगी, आज अगर 21 है तो फिर कल 22 होगी ना, तो आपने कहना कि नेइलन छिरवल इशिप इल इम्निदा, ठीक है ना? यानी कि 그러면 어제는 며칠입니까? 하, 어제는 며칠입니까? 그 गुजरे हुए कल कौन सा दिन था? तो फिर क्या तारीख थी? तो फिर आपने क्या कहना कि 어제는 7월 20일입니다. 그 गुजरे हुए कल जो है वो 20 तारीख थी. 다음 질문 할까요? 네. 네. 그러면 숫자가 얼마예요? 아, 숫자가 얼마예요? 이거 그 이거 보여줘야 돼. 여기 수면 오케이 오케이 이거로 해도 돼요. 아, 자, 내가 숫자 그랬대요. words 고.
जो एबीसी जो गिनती में आते हैं ना, एक एक भी एक सूचा, दो भी, तीन भी, पच्चीस भी, जैसे ये है वो आपको इस तरह सूचा बताएंगे। तो आपने ये पंद्रह है तो आपने क्या कहना है, शिपो शिपो बोन इमनीदा, ओके, शिपो इमनीदा, शिपो इमनीदा आपने कहना है, बोन नहीं कहना नंबर, ठीक है ना, शिपो ओ शिप फल इमनीदा, मास्मिदा खुशी फल इमनीदा, मास्मिदा चिल्चिप्सा इमनीदा, मास्मिदा शिपची आना sure. 이것만 돼요. 잘해, 잘했어. 또 아게 잘 돼요, 도스토. 어, 다음 행동 지시어네요. Movement instruction. तो अभी इसमें जो है ना, जैसे मैं आपने देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं ये वैसे आपको उर्दू में भी बताऊंगा सारा एक एक वर्ड। तो अभी आप देखें, हम प्रैक्टिस भी करते हैं साथ। ने सोन से नीम सीजा खा के इसमें था। तो सीजा खा मिला। वेंसोन उल्लिसेयो, वेंसोन नेलिसेयो, ओरेंसोन उल्लिसेयो, ओरेंसोन नेलिसेयो, यांगसोन उल्लिसेयो, यांगसोन नेलिसेयो, यांगसोन उल्लिसेयो, वेंसोन नेलिसेयो, 왼손만 왼손 내리세요. Okay, okay. 오른손 내리세요. 아니야 내려요. 알겠어요? तो ठीक है ना दोस्तों, तो आपको समझ आ गई है कि इसमें जो मेन चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो ओरेंजो, वेंजो और जो है ना ये दो चीजें इस्तेमाल हुई हैं ऊपर नीचे को। तो मैं इनको वोकैबुलरी वैसे आपको बताऊंगा, ये वैसे एक जो है ना जो कर रहे थे आपको समझाने के लिए कि चलो किसी तरह से थामे। विल 보세요, 아래를 보세요, 왼쪽 보세요, 오른쪽 보세요, 뒤로 보세요, 앞을 보세요, 오른쪽 보세요. 천천히 하면 사람들 이해가 잘 돼요. 알겠어요. 천천히 위를 보세요, 아래를 보세요, 왼쪽을 보세요, 오른쪽 보세요, 앞을 보세요, 뒤를 보세요. 와, 잘했어요. 아, 얘 되게 오른쪽을 제일 좋아하는 거 아니에요? 맞아요. 자연시 이상. 다음에는? 다음, 어, 이거 일어나야 되는데. 의자에서 일어나세요. 의자에서 일어나세요. 야니까 무슨 가게 뭐게 खड़े हो जाइए इस तरह आपने खड़े हो जाना जब हमने कहना है. 의자에 앉으세요. 앉으세요. 뱉자니고 कहते हैं. 다음, 다음 페이지. Next page. 이것도 일어서야 될 것 같은데. 일어서서 시작해. 또 이제 비 खड़ा होके आपने करना है. 또 이제 देखते हैं. 어, 이거 되겠구나. 뒤로 돌아서세요. 나 설명 좀 해요. 파키스탄. 또 또 이제 देखिए अभी ये ना कैफे में हम आए हुए हैं तो कमरा थोड़ा सा छोटा है तो ये देखिए आपने ना ये जो थ्वीरो अपुरो थोड़ा सोसेयो यानी कि खड़े होकर जो है ना वो आपने खड़े होना है यानी कि थ्वीरो थोड़ा सोसेयो के पीछे को घूम जाएं आगे को घूम जाए ठीक है ना ये इसको कहते हैं थोड़ा सोचे हो घूम के खड़े हो जाए थोड़ा सोचे हो थोली ना को मजा आयो अन्य में चोगी सोसो हर का चोगी अली सोसो हर में सीज़ा ओके ओके लेकिन एक थोड़ा जो ओके ओके ओतो की है यो तीरो थोड़ा सोचे या तीरो थोड़ा सोचे हो ओ ओ क्रूके मजा मजा फिर आगे अपुरो थोड़ा 더 가세요. 그리고 오른쪽으로 가세요. 밖에 나가자 말라 그럼 밖에 나가. 밖에 나가세요. 밖에 나가자 말라 바로 저리죠. 또 바로 나 밖에 안 가. 이쪽으로 오세요. 이쪽으로 오세요. 어, 이쪽으로 오세요. 이쪽으로 오세요. 이쪽으로 오세요. 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 맞아요. 또 되게 더웠어. Next. 재미있어요. 어, 멈추세요. 멈추세요가 맞아요. 보다 stop 하잖아. 티가 나 stop 하고 갈때 멈추세요. 티가 나. 맞아요. finish. 다 했다. 그 다음에 세 번째 직업 기초 능력. National Competency Standards. 예, 저, 도스토, 아빠께 컴퍼니에 뭐가 होता है, 아빠께 어떻게 구자하래요? 이게 उसके मतलब लगा है जो कंपनी में होता है आपके तो उसके मतलब लगा भी हम आपको बताएंगे ठीक है ना वैसे आए सो हमने को मजा आयो वैसे आए सो सिंगल थे तो हमारा नंगो आयो ये कंपनी में आपकी कैसी लाइफ है या कैसे आपकी गुजार रहे हैं उसके मतलब लगा है तो पंचे सिंगल तो मैं चले दियो तो मैं सिखवा 자연 씨 많이 남아 있네요 빨리 마셔야 돼요 나 빨리 먹어요 첫 번째 질문.
직장 동료가 바쁘면 어떻게 할 거예요? 아, 예, 되게 아까 उसने कहा कि 직장 동료가 जो कंपनी में आपके साथ काम करते हैं ना साथी जो होते हैं दूसरे उनको कहते हैं 직장 동료가 바쁘면 busy हो तो 바쁘면 busy हो तो 어떻게 할 거예요? क्या करते हो कैसे करते हो ठीक है ना तो आपने अभी इसका क्या जवाब देना है ए 직장 동료가 바쁘면 थोवा चुल कोम्निदा ठीक है ना आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वो बिजी हो तो हम उसकी मदद करते हैं चिकचंग थोंगन्युगा फापुमियोन थोवा चुम्निदा भी आप कह सकते हैं ठीक है ना तो ये इसका जवाब होगा मैं इसका उर्दू में भी आपको मैं भी एक बार दोबारा स्लो बोलता हूँ चिकचंग थोंगन्युगा फापुमियोन थोवा चुम्निदा ऐसे भी आप कह सकते हैं ठीक है ना थोवा चुल्को एयो ये भी हो सकता है कि मदद करते हैं या चुम्निदा भी ये दोनों एक ही चीज है थाम चिल्मुन अगला सवाल नेक्स्ट सवाल चिकचंग थोंग्योवा ओत्तोके चिनेल गोएयो चिकचंग थोंग्योवा ओत्तोके चिनेल गोएयो यानी कि उसने कहा कि जो आपके साथ साथी है ना उनके साथ ओत्तोके कैसे चिनेल गोएयो के गुजर रही है कैसी गुजर रही है आपकी उनके साथ जो है ना लाइफ तो आप क्या कहेंगे कि चिकचंग थोंग्योवा साउजी आंखो के लड़ते नहीं है छलछीने को इसो तो खेंचन को साई चोखे छोने को छीने को इसमनीदा आप ये भी कह सकती हैं क्या कह सकती हैं मैं दोबारा आपको बोलता हूँ कि चिकचंग थोंग्योवा साउजी आंखो साईरल चीने को ये साई चोके चीने को ये रल साई हम हमें ना दियो साई रल चोके चीने में रल आ दियो ओके ओके इसे रल का नहीं आपने इस्तेमाल करना साई चोके चीने को ये साई चोके चीने को ये उनके साई कहते हैं आपका दरमियान का जो ताल्लुक होता है ना उसको कहते हैं साई चोके चीने को ये कि अच्छी गुजरती है थाम चिल्मुन अगला सवाल 회사에 일이 많으면 어떻게 할 거예요? 작은 해야 되는 거 아니에요? 맞아요. 또 देखो उसने कहा कि 회사에 कंपनी में 일이 많으면 काम ज्यादा हो तो 일이 많으면 काम ज्यादा हो तो 어떻게 할 거예요? कैसे करते हो? तो फिर क्या कहना है आपने 회사에서 일이 많으면 작은 해야 합니다. के ओवर टाइम लगाना फिर जरूरी होता है कि ज्यादा काम करना 작은 कहते हैं ओवर टाइम को हेया हमनीदा करना जरूरी है ठीक है ना तो आप ये कह सकती हैं कृगो माने के ओवरटाइम इले हंदाम्यान छोगा कन्मु ने ने हेया हमनीदा इस छोगा कन्मु भी ये भी आप कह सकते हैं ये भी ओवरटाइम में ही आता है बिजी था हमारे चियो ये भी जो है ना छोगा कन्मु ये भी जो है ना अकेली ही है यागन और छोगा कन्मु ये दोनों एक ही चीज है हेया हमनीदा तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 다음 질문 할까요? 네, 다음 질문 하겠습니다. 상사가 내 의견에 반대하면 어떻게 할 거예요? 자, 이게 이제 कहा कि 상사가 상사자 होता है ना ये आपसे जो ऊपर होते हैं ना जैसे 부장님, 과장님 ठीक है ना तो इनको कहते हैं जो आपसे 과장님, 부장님 ये जो आपसे ऊपर वाले होते हैं 사장님, 회장님. 회장님 여기 없어? 많이 사람 없어요. तो फिर जंगनीम जो होता है ना ये साजंगनीम से भी ऊपर होता है आपको किसी को नहीं पता होगा इस चीज का तो इसलिए मैं नहीं कह रहा कि ये जो होते हैं ना फिर जंगनीम इनकी बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां होती हैं दूसरी कंट्रियों में भी ये बहुत अमीर बंदे होते हैं एक तो होते हैं ना साजंगनीम की फैक्ट्री वो मालक उसके एक होते हैं फिर जंगनीम ये इनसे भी ऊपर बॉस जिनको कहते हैं ठीक है ना तो ये इसने कहा कि संसा का जो आपसे ऊपर वाले ओहदे में है वीगियों ने कहते हैं जो है ना तासरात जो आपके होते हैं जो दिमाग में आप कुछ करते हैं कि आपने इसको इस तरह कर दिया ठीक है ना किसी पुर्जे को या कुछ भी तासरात अभी मैं आपको बताता हूँ फंदे हम्योन पत्तों के हल को यो अगर आपने कोई काम गलत कर दिया है किसी और तरह से तो फांदे का मतलब होता है मुखालफ सीमत है तो वो आपको कहे कि फांदे हम्योन इस तरह नहीं करना था ठीक है ना तो उत्तों के हल को यो कैसे करोगे तो फिर आपने क्या कहना है कि सासांगी जो आपसे संसा का संसा ही जो आपसे ऊपर वाले ओहदे में है ईग्योंग थेरो के जिस तरह वो कहेंगे जो उनके तासरात होंगे
सुजोंग हल को ये सुजोंग कहते हैं रिपेयर करना किसी चीज को, कि जिस तरह वो कहेंगे ना आप फिर उसको उस तरह करेंगे। मैं आपको उर्दू में भी इसके साथ है, ये थोड़ा मुश्किल है, पेचीदा है, तो इसकी मैं दोबारा आपको जो है ना करूंगा। मैं दोबारा बोलता हूँ कि संसा ई ग्योंग दे रो, ई ग्योंग दे रो सुजोंग हल को ये हो, कि जिस तरह वो कहते हैं उस तरह हम इसकी रिपेयर करते हैं या मैं उस तरह कर दूंगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सादा सा। 그리고 다음은 질문, 다음을 계산해 보세요. 다음을 계산해 보세요. 그러니까 이거 말은 뭐야? 아인다, 뭐야? 계산해 보세요. 그럼 우리가 이거 위에 써 볼게요. 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 우리가 이거 यानी कि देखें, चमचमाने युग फोया चुसियो ना छोड़ने है जो छे है ना, जो इसको कहते हैं युग और प्लस को कहते हैं थोहागी और आगे है दो और जो दरमियान में बराबर है इसको कहते हैं नन। यानी कि क्या हो गया, युग थोहागी ई ई नन फल, आपने इस तरह इसको जवाब देना है, ठीक है ना। फिर को थोहागी हना मान हा गो पेगी गुफागी नानू की मान है करे थासी हम ये तो थे ओके ना तुगे खाने थे कते का छुस मासी इनेन आका पायाचे देखो तो अभी हम माइनस वाला एक बनाएंगे, एक फील जो है ना वो, तो अभी देखेंगे खु पेगी सम नन यू किमनीदा, यानी कि नौ में से तीन माइनस करें तो छह रह जाते हैं, ठीक है ना। ये देखें अभी खू पेगी साम इन। अच्छा दोस्तों ये देखें, हम एक चीज आपको इधर बता रहे थे कि युक थोहागी ई नन नन फल, देखें ये जो ई के सामने पक्षी नहीं ना आ रहा तो इसको आपने बोलना है नन, अगर सम के नीचे मियम पक्षी में ना तो इसको आपने बोलना है अन, बराबर को अन कहना है, पश्चिम होगा तो फिर आपने कहना है अन और पश्चिम ना होगा तो फिर नन, इसलिए फिर आपने क्या कहना है खु पेगी सम अन ई युक युक खु पेगी सम अन युक किमनीदा, इस तरह आपने जवाब देना है, ठीक है। कुफागी है का कुफागी दो मो ओरंगो आदि मा कुफागी ओरप चना है। तो दोस्तों ये आ गया है कि सा गुफागी ओनन ईशी पिमनीदा, यानी कि चार जरा पांच बराबर है बीस को कहते हैं, ठीक है ना। आगे है फल नानुगी ई बराबर क्या होगा, अगर आठ तकसीम दो होगा तो सा इमनीदा, ठीक है ना। तो इस तरह इसने आपने, ये तो बड़े आसान सवाल है, इसमें बस पेगी थोहागी नानुगी बस इस्तेमाल हुए हैं, ये आपको पताना चाहिए। हाँ तो जिसने आपको बता दिया कि जमा को क्या कहते हैं, माइनस को क्या कहते हैं, जरब को क्या कहते हैं और तकसीम को क्या कहते हैं। तो थाम 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 जिमन इन किलोग्राम इन व्योग ग्राम इमिका इल किलोग्राम में म्योक ग्राम इमनीदा, उसने कहा कि एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, छन ग्राम आ गया मजा इल किलोग्राम में छन ग्राम इमनीदा, कि एक किलोग्राम में हजार ग्राम होते हैं, तो इस तरह आपने जवाब देना है कि इल किलोग्राम में छन ग्राम इमनीदा कु खायों सी तो हम सोल में होंगे दूसरे हो फारमी छोहा सो ना बुदा आ इल किलोग्राम में छन ग्राम इमनीदा। हाँ तो इस तरह देखे ना उसकी जरा फॉर्म ठीक है मुझसे, क्योंकि वो कोरियन है तो इसलिए जो है ना मैंने उसे कहा। तो अभी नेक्स्ट देखें आप तो नेक्स्ट में आए दोस्तों, तो इस तरह ना उन्होंने देखे कि ये लिखा हुआ है उन्होंने कि इसी तरह सात किलोग्राम में कितने होंगे, तो फिर आपने कहना कि छिल छन ग्राम इमनीदा, यानी कि सात हजार ग्राम है, ठीक है ना। मिली ली था तो ऐसा ना है इगो ना ऑटो के हेयर दे हो मिली लिटर
아, 이거는 7kg. 7km는? 7km는 7000cm. 아, 또, 내가 또, 또, 내가 하게 4km에 4000cm 오 때에. 티게나, 야니게 비례 1km에 1000cm 오 해. 또, 얘, 우리는 돌아서 지다 가게 리카우 해. 오래, 2ml 메조 해. 뭐 कितने होते हैं 0.0002 लीटर होते हैं ये भी उन्होंने थोड़ा सा नीचे समझाया हुआ है तो किलोमीटर सेंटीमीटर और लीटर को ये इसी तरह इंग्लिश में ही बोला जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं थाम सिल्मा ओडियो को कैंसिल ना तो मोल्ला था आई मैं सबके सुनने के सुनो पाकिस्तान वेन्यामियों सेंटीमीटर किलोमीटर था 영어로 사용해요. 할 수 있어요. 알겠어요. 사실 몰라요. 나 같이 해줄게요. 알겠어요. 다음 질문. 어디 갔어요? 이거. 이거. 오케이 오케이. 일을 하다 실수하면 어떻게 할 거예요? 일을 하다 실수하면 어떻게 할 거예요? 그러니까 काम करते हुए गलती हो जाए तो 일을 하다 काम करते हुए 실수하면 गलती हो जाए तो 어떻게 할 거예요? 그래서 करना है या कैसे करते हो? तो फिर आप क्या करेंगे जब गलती हो जाए तो आपने 그 미안하고 앞으로 조심하라고 말하면 되나? 그렇죠. 또 아빠는 क्या कहना है? 죄송합니다. 죄송합니다. 첫 번째 마즈레 자타 हूं. 첫째 पहले जब आपसे गलती हो जाए तो आपने कहना है कि 죄송합니다. 죄송합니다. 마즈레 자타 हूं. और उसके बाद आपने क्या कहना है कि 앞으로 아인다 그 조심할 합니다. 조심하겠습니다. 하겠습니다. 게 매 아이다 조해 뭐 에히티앗 करूंगा. 사실 पहले क्या आपने कहना है? 죄송합니다. 앞으로 죄송하겠습니다. 조심 하겠습니다. 설명 자연스럽다. 발음 잘. 알겠어요? 첫 번째로 사과를 해야 되니까 죄송합니다. 앞으로 조심하겠습니다. 아프냐 세게나게 죄송합니다. 앞으로 조심하겠습니다. 앞에서 얘기할 때. 또 next 대게. 불량품이 많으면 어떻게 할 거예요? 불량품이 불량 कहते हैं खराब सामान को जो आप काम करते हुए कोई गलती से खराब बन जाए ना उसको कहते हैं 많으면 ज्यादा हो जाए तो 어떻게 할 거예요? कैसे करना है या क्या करोगे तो फिर आपने 계산 계산 합니다. 할 거예요. 할 거예요. 또 क्या कहना है आपने के 불량품이 많으면 계산 할 거예요. 그러니까 게 मैं उसकी 계산 리페어 다시 하는 거 맞아요? 더 좋은 방향으로 수정하는 거. 아, 그거보다 더 좋은 거? 더 좋은 방향으로 수정하는 거. 또 उसने क्या कहा के फिर जो यानी के 불량품이 जो खराब सामान है 많으면 ज्यादा हो तो 계산 합니다 할 거예요 भी आप कह सकते हैं यानी कि उससे भी बेहतरीन करके उसकी सुजुंग करना तरतीब देना जो ऊपर मैंने सुजुंग का लफ्ज इस्तेमाल किया ना उसके अंदर लगा रहा है कि उससे भी बेहतर इसकी रिपेयर करना उसको बनाना तो मैं आपको उर्दू भी लेके नीचे समझाऊंगा पुल्यांगफुमी 많으면 개선 할 거예요 나도 자연지처럼 되고 싶어요 될 수 있어 할 수 있어 죽었다가지 절대로 못 해 아니야 할 수 있어 다음 질문 한국에서 사용할 수 있는 기술이나 자격증이 있어요? 아, 또 얘 내가 있으니까 아까 게 한국에서 코리아에 사용할 수 있는 이스트말 호석네와라 한국에서 코리아에 사용할 수 있는 이스트말 호석네와라 기술 기술 कहते हैं किसी चीज की टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी 맞지? 자격증 जो सर्टिफिकेट होता है 있어요? موجود ہے آپ کے پاس ہے तो अभी दोस्तों देख रहे हो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ लड़कों ने मुख्तलिफ किस्म के जो है ना सर्टिफिकेट डिप्लोमास किए होते हैं तो आप कह सकते हैं कि छोनन जो है ना यंगजोप यंगचोप छाग्योप जोंगी इस्मिदा खेंचना है आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर आपने बिजली का किया हुआ है तो आप बिजली के मतलब भी कह सकते हैं जिस तरह का अभी आपने किया हुआ है आप उसके मतलब बता सकते हैं ठीक है ना जोंगी जोंगी छाग्योप्चे 나 그 파키스탄 말로 설명해 주세요. 맞았어요. 네, 잘했어요. 전기 자격 다시 한국 전기 자격증 있습니다. 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 비야 कह सकते हैं या 있어요 비 कह सकते हैं. 그리고 운전면허증. 운전 기술. 기술. 또 देखिए भाई आप कह रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप वो भी कह सकते हैं कि 아니 근데 파키스탄은 운전면허증 여기에서 못 해.
국제 면허증으로 변경 바꿀 수 있을까? 안 돼요. 시험도 지어야 되고, 시험 쳐야 돼요. 필기 시험도 나도 그래도 지어야 돼요. 진짜? 원래는 괜찮은데 그 필기 시험만 치고 합격되면 변경될 수 있는데 아, 이제는 그래, 국제 면허증. 이제 도로 조항이 봐야 돼요. 봐야 돼. 아, 이거 트라이 되니 पड़ती है. तो ये अपना वैसे उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उन्जोन मियोनोजोंग इब्निदा या इस्मिदा. 이게 भी आप कह सकते हैं. 있습니다. 그리고 마지막 질문, last question is 다른 사람보다 잘할 수 있는 기술이 있어요? 마지막, 마지막 कहते हैं लास्ट को. 아خری को. 질문, 수왈, यानी कि लास्ट 수왈 जो है 다른 사람보다 사람 कहते हैं अलैदा को 사람보다 शख्स से 잘할 수 있는 잘할 수 있는 के सही कर सकने वाला 기술이 있어요? 거의 टेक्नोलॉजी आपके पास है. 그러면 이거는 그대로 그대로 답해도 돼요. 비슷한 질문이에요. 아, 우스네 가게 저 ऊपर बिस्ट है ना वो एक जैसे ही है. इसका ऊपर वाले का भी आप जवाब देके उसको कर सकते हैं. यानी कि ऊपर वाला भी आप कह दें कि मैं जी उसके अच्छी जो है ना ड्राइविंग जानता हूं या वेल्डिंग कर सकता हूं. ठीक है ना. तो ये आपके जो है ना ये मुकम्मल हो गए हैं. तो देखिए दोस्तों आगे ये जो है ना कुछ सवाल हैं. तो इसको मैं कहूंगा कि ये इनकी ना अभी इसको पाकिस्तानी जुबान तो नहीं आती लेकिन ये जो है ना इनकी अभी इनसे मैं प्रोनाउंसिएशन करवाऊंगा. ये आपको बोल के बताएगी ताकि आपको जो है ना बोलने में पढ़ने में कोई मसला ना हो. तो ये अभी दो दो दफा एक को बोलेगी तो आप ध्यान से इसकी जो है ना वो फार्म जो है वो उसको ज़हन में बिठा लीजिएगा. थानो हना नन थूबों सी अभी देखें ये इधर देखेगी. मैं अभी आपको बताता हूँ ठीक है. अभी देखें ये मैं बता रहा हूँ अभी आपके पास होंगे ना ये नोट्स तो आप उधर से जो है ना उनको देख लीजिएगा. मुख चंगाप कहते हैं ये जो चंगाप है ना चंगाप मुख चंगाप. कुरीगो अंजनमो फास्टी टोपी अंजनमो अंजनमो भांजिन मास्क भांजिन मास्क भांजिन मास्क भांजिन मास्क विसेंगबोक 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 वी विसेंगबोक विसेंगबोक ड्राइबर driver 자연 씨 발음 좋아해. 자연 씨 이렇게 잘해도 돼요. 그러면 알리는 동작. 동작 알겠지? 니퍼. 니퍼. 플러스 카트네 봐라. 니퍼. 그리고 롱 노즈 플라이어. 나도 파키스탄 말로 이거 어떻게 부르는지 모르는데. 롱 노즈 플라이어. 다음 팬치. 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 스패너. 스패너 어떻게 하는 거야? 스패너. 스패너. 오케이. 스패너. 그리고 톱. 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 자르는 것. 자르는 거. 그다음에 칼. 칼. 커터. 칼. 그다음에 전기 드릴. 전기 드릴. 전기 드릴. 릴스라고 네가 하는 말이야. 벽에 그거는 구멍 뜯는 거. 전기 드릴. 그리고 가위. 가위. Scissors. 가위. 켄치. 파키스탄 말로 켄치. 켄지. 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 가위. 그 다음에 줄자. 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 엔치팁. 버니어 캘리퍼스. 이게 뭐야? 버니어 캘리퍼스. 이게 좀 어때? 하나 빼마이싱 करने के लिए. 우스코 कहते हैं. 아비 마리 팩트리에 유즈 होता है तो इसको पता नहीं है उर्दू में क्या कहते हैं. 그비 क्योंकि यूज ही नहीं किया. 사실 अभी सुनने में आ रहा है कि जो मैटर का इम्तिहान है उसमें जो है ना इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं. तो ये अभी तस्वीर देखे ना आपको वो माने देखें कि वो आपसे ना ये इस तरह नहीं वो आपसे पूछेंगे कि ये इनके नीचे नहीं लिखे होंगे उन्होंने वो कहेंगे कि भाई ये क्या है. ये इसकी अकेली तस्वीर होगी या सामने लगी होंगी वो पूछेंगे कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है. तो आपने इनके नाम याद करने हैं ये वोकैबुलरी आपने ठीक है ना. तो आपने इसका जवाब देना है पोनियो कैलिपोस. 다음 अगला. ओके. 저울. 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 다음에 나사못. 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 나사못.
다음에 암나사 너트, 그다음에 수나사 볼트. 다시 한번 두 번째. 암나사 너트, 수나사 볼트. 다음 사다리. 레더. 사다리. 핸드 팔레트. 핸드 팔레트. 그다음에 핸드카. 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 그다음에 대차. 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 테이블 카트. 대차. 팔레트. 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 그다음에 상자. 박스. 상자. 박스. 상자랑 박스랑 같은 말이에요. 비슷해요. 박스. 그다음에 바구니. 바스켓. 바구니. 도끼리 도끼리. 도끼리? 오, 우리도 도끼리라고 해. 진짜요? 도끼리. 바구니 비슷한 말이에요. 응응응. 도끼리. 파키스탄에서 도끼리. 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 이런 도끼리. 아니 이건 말고. 아니. 도끼리. 도끼리. 이거 비슷한 거. 응. 바구니. 공구 캐비넷. 공구 캐비넷, tool cabinet. 그다음 마대, 자루, 마대, 큰 봉지 같은 거 마대라고 하지. 자리 큰 봉지 이게 뭐라 샤플. 그러니까 그냥 큰 자루가 그냥 봉지. 자루. 야채 또래고 비하고 야채 또라죠 때나 따오라 우스고. 그다음에 삽, 삽, 쉐보. 사실 삽? 농사 해본 적이 있어요? 아니. 없어. 그럼 어떻게 설명해줘요? 잘하시네요. 빗자루 is broom. 빗자루 쓰는 거. 빗자루 쓸다. 청소 잘하나 봐요. 못해. 안 좋아해. 그 다음에 쓰레받기. 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 다음. 많다. 한 장만 남았어요. 아니야, 두 장 남았어. 아니, 이거 시작하면 이거 하나 더 남았어. 방청유, 방청유. 자, 네카도 어떠하시는지 알아가게 방청유. 이게 방청유. 이용계 삼례 유학에도 뉴기 받만 게야, 되겠나? 방청유. 이따가 아무네 보는 게 발음 되게. 다음에 공구함, toolbox, 공구함. toolbox, 공구함. 공구함. 망치, hammer. 두드려 하는 거? 망치, 어, 두드려. 두드려 망치. 그 다음에 소화기, 불 끄는 거. 소화기. 아, 그 불 끄는 거 아니게 아 무전에게 리스트 말하네. 소화기. 그 다음에 비닐 끈. 비닐 끈. 샤퍼고 그 다음에 비닐 끈 어디야라 씨 아니게 샤퍼 왈리 보조 어디야? 우스고 그 다음에 비닐 끈. 그 다음에 테이프. 테이프. 테이프 is just tape. 테이프. 응, 테이프. 테이프. 시끄러운 줄 알았는데 여기 붙이는 거 아니에요? 맞아 맞아. 테이프. 진짜 다시 올 건데 말로 그만해가 몽빌로 가는 거지. 멀티 탭. 멀티 탭 파워 스트립. 드리스워치. 드리스워치. 앞서 가야 되나? 드리스워치. 웃고 가야 되는 게 멀티 탭. 멀티 탭. 그다음에 전선 릴. 전선 릴. 전선 릴. 그다음에 스위치. 스위치. 온, 오프 하는 거? 스위치, 스위치. 그 다음에 환풍기. 환풍기. 손풍기하고 비슷한 말 아니에요. 아니요. 달라요. 달라. 환풍기는 이제 더울대. 더울대 빼는 거. 환기시키는 거. 환기시키는 거. 환풍기. 여기 앞에 가요. 단사 아주. 어때요? 웃고 가야 그 다음에 누전 차단기. 누전 차단기. 누전 차단기. 이거 뭐죠? 이거는 그 불 꺼졌을 때 누전 스위치랑 관련이 있어. 패널? 차단기, 차단기. 몰라. 패널 아니에요? 몰라. 얘 देखले भाई ये क्या डिजाइन इंग्लिश लिखी हुई है. 누전 차단기. 그다음에 회로 시험기. 회로 시험기. 회로 시험기. 그다음에 손전등. 플래시라이트. 손전등. 손전등. 예, 사리 스피드 사람네 아, 비즈리 이스코 데게. 또 याद कर सकते हैं. 러택 लगाना है ना, बस पेपर ही पास करना है और क्या करना है. 플래시 라이트. 손전등. 다음에 작업등. 작업등. 작업등 감기 들어가는 스마트 하는 와이 라이트. 다음에 마지막으로 드럼.
간장도 남았네요. 드럼통. 드럼. 드럼. 오, 드럼. 드럼통. 이거 우리, 그 우리나라에서도 드럼 불러요. 어, 드럼. 드럼. 예, 드럼, 드럼. 이야, 와이지 않아? 드럼. 마지막 장입니다, 여러분. 아, 드리야미나. 자, 지게차. Fork lift. 지게차. 지게차 이렇게 사람이 두 개 있대요. 얘 좋아나 낙이 있대요. 또 얘 위에서 마음을 타는 거지. 지게차. 어떻게 알아요? 몰라. 몰라. 안 타봤어요? 안 타봤지. 나 타봤어요. 진짜? 전 회사에서. 오. 소재가 운전할 수 있어? 2만 운전 할 수 있어. 이거 쉬워요. 알겠어. 왜냐면 도로에서 안 하니까 사람들이 없어. 그냥 마음대로 그냥 타는 거잖아. 알겠어. 다음 에어 컴프레셔. 에어 컴프레셔. 에어 컴프레셔 이 소개가 돼야 뭐야? 에어 컴프레셔. 다음에 밴딩기. 밴딩기. 밴딩 같네 말이. 밴딩기. 컨트롤 패널. 컨트롤 패널. 컨트롤 패널. 다음에 호이스트. 우리 회사 이거 소재 올려요. 무거운 거예요. 이게 뭐야? 호이스트. 호이스트예요. 문? 그 커튼? 무거운. 아 무거운 거. 소재 올리고 차 듣는 거. 호이스트. 우리 회사에 나온 소지는 4톤, 5톤, 12톤, 14톤짜리도 있어요. 위험해요. 그래 위험해. 아무리 위험해도 어쩔 수 없어요. 돈 벌어. 사람이 떨어지면 조심해. 다음 파이프 렌치. 파이프 렌치. 파이프 렌치. 파이프 렌치. 아, 파이프 렌치인 것 같아. 파이프 렌치. 그다음에 소켓 렌치. 소켓 렌치. 소켓 렌치. 소켓 렌치. 그다음에 고압 전기. 고압 전기. 고압 전기. 이거 무슨 뜻이야? 조심해라는 것 같은데. 그러니까 전기가 높아서 고압 높은 전기 조심해 이런 것 같은데. 이 얘기는 여기서 오늘 말하야 뭐다는 게 여기가 빌리 너무 많아요. 높지해 여기에. 그러니까 높은 또 전기. 웃고 와하바를 조심하는 것이요. 조심해. 이렇게 대화 그래. 이게 뭐 발라 이샤라. 어, 표지판 같아. 표지판. 사인. 그다음에 물체 이동 금지. 이것도 사인. 표지판이야. 네, 네. 이거 다 이동 금지. 이거 다 앞에 있는 거는 사인이에요. 그다음에 원형 톱. 원형 톱. 얘 밸런 관리도 완벽 사람 되겠네. 원형 절단기예요. 절단 비슷 절단기 비슷한 거 아니에요? 절단기인 거 같아. 네네. 그런 거 같아. 그다음에 보안면 착용. 보안면 이런 거 얼굴 쓰는 거. 네네네. 보안면 착용. 파스티 조야나 뭐 빼네 봐라. 이거 용접할 때 사용하는 거 아니에요? 어 그런 거 같아. 시큐리티 마스크. 보안면 착용. 그다음에 육각 렌치. 육각 렌치. 육각 렌치. 육각 렌치. 이거는 여기부터 다 우리 회사에서 쓴. 아 정말? 얘 대개 얘 좀 니제 아래에 나 사리 지대 얘 좀 ऊपर भी आई है ये सारी हमारी फैक्ट्री में इस्तेमाल होती हैं इसलिए इन्होंने डाली है कि फैक्ट्री में जाएं तो आपको पता हो इन चीजों का ठीक है ना इसलिए इन्होंने भेजी है ये नहीं समझना कि बड़ी मुश्किल चीज है ये वो ये इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे जरूर तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है इसको तो कोशन 표지판 화기연금 불난한 불조심 불조심 아 응. 이해 대학 그래 화기연금 이거 그 산불 조심에 하고 비슷해요 그 산에 가다 산불 조심은요 산에서 산에서 산불 조심 근데 이거는 이제 공장에서 대학 그래 네네네네 화기연금 그다음에 안전모 착용 safety helmet 안전모 착용 사인 표지판 안전모 착용 게 아니게 아프니 파스티 토피 पहनिए ऊपर से कोई चीज ना गिर जाए तो इसलिए उसके अंदर लग बताया हुआ है 안전모 진짜 중요해 꼭 써야 돼요 꼭 네네 우리 회사에서도 그 안전 교육을 받을 때 제일 중요한 거 이거예요 그래 안전모 꼭 써야 돼요 왜냐면 알겠죠 여러분? 소재가 떨어지면 그래 머리 없으면 뭐 꼭 착용하세요 여러분 안전모 다음 마지막 바이스 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 이게 뭐야? 이게 아니야 아프네 ज़रूर फास्टी टोपी पहननी है लेकिन अभी मैं इसको क्या बताऊंगा पाकिस्तान में तो मोटरसाइकिल चलाते वगैरह भी हेलमेट नहीं पहनते
아니고 그냥 재미있는 말이에요. 조심하라고 말하고 그 다음에 이거 마지막 문장 읽어주는 게 좋을까? 해봐요. 나에게 좋은 기회가 주어지기를 바랍니다. 무슨 뜻이요? 파키스탄 말로 설명해야 돼요. 아, 이거 면접에서 마지막으로 나를 뽑아주세요. 이런 말이랑 똑같아. 아. 나를 뽑아주세요. 나에게 좋은 기회가 주어지기를 바랍니다. 그 답장이 잘못해주면 뽑아주세요 말을 할 수 있어요? 응? 만약에 거기 면접 질 때, 볼 때 답장이 안 맞아. 이거 답장 준다는 거, 그 사람 질문할 때 답장, 답해. 아니요, 그렇게 하면 안 되고. 마지막에, 제일 마지막에 질문에. 나가기 전에. 나가기 전에. 아니면 질문하는 사람이 뭐, 궁금한 거, 질문 있어요? 이렇게 물어보면. 하고 싶은 말 있어요? 네네. 물어보면 내가, 나에게 좋은 기회가 주어지기를 바랍니다. 아, I want to have a good opportunity for you. 예, बहुत ही मेन चीज है. उसने कहा कि जब आप खड़े होंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके दिल में कोई ऐसी बात है, कोई ज़हन में जो आप करना चाहते हो, तो नीचे आपने फिर ये बोलना है कि नाएगे छोन कीवेगा सुओ जिगिरल फारम निदा, कि मुझे जो है ना इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए, मेरे लिए अच्छा कीजिए, चांस दीजिए मुझे, ठीक है ना. कीवे चांस कीवे कहते हैं चांस को, तो उसके मतलब ये कह रहा है, ठीक है ना. तो ये आपने कहना अगर वो पूछे आपसे तो अनि खुसा रहा मान्या के सोचे नहीं मुरबो जी आनी को खंगक माम दे रो मार हमें ना दे हो कागी छोने मुरबा ते मार है या दे हो. जेल माजिमा के इजे के मेंजोबानी 감사합니다 끝났습니다 이렇게 말하면 해도 돼. 시간이 조금 나와 있으면 해도 되긴 한데. 왜냐면 방에 사람 한 명 두 명 가기 전에 말할 수 있을 거. 그러면 말할 수 있어. 그리고 잘 부탁드립니다. 이것도 말하면 좋을 것 같아. 나에게 좋은 기회가 주어지기를 바랍니다. 잘 부탁드립니다. 아, 잘 부탁드립니다. 아프네 이스라 인사 가르게도 빈 바하지 않는 거. 그렇지 않아? 되게 얘 파키스탄과 어 코리안과 컬처가 달라. 여기 कुछ लड़के कहते हैं कि जी हम ऐसे नहीं करेंगे, सार नहीं झुकाएंगे, ये वो. 또 이게 देखिए 컬처 में 가게 फिर करना पड़ता है. हम भी अपने जो बड़े होते हैं उनको ऐसे जो है ना सलाम करते हैं, तो इनका कल्चर है. तो आगे क्या लिखना है आपने, ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि नाएगे छोन खीवेगा सुओ जी गीदल फारम निदा, और साथ में कहना कि छल बुथक थिंग निदा, कि ये भी आपने एक लफ्ज है बोल देना साथ में. क्रोमियम चिकम छायों सी आपको सिप मारी सयो. ओके, छायों सी चैनल इसयो YouTube पे. क्योंकि कुछ वो दे दो तो मारिया दे वो भी सो. तो दोस्तों ये देखिए अभी इसका एक चैनल है, वो भी हम आपको बताएंगे, जो है ना उस पे ये कोरियन ज़बान है इंग्लिश में जो है ना सिखा रही है. तो आप मेहरबानी करके उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि पाकिस्तानी तो करें ना जिधर जिधर भी देख रहे हैं, क्योंकि इतनी हेल्प कर रही है. कोरिया में ये टाइम निकाला है इसने, स्पेशल ये काम कर दिया, उधर से मैं इसको लेकर आया हूँ अभी, तो 3-4 घंटे हो गए हैं इसको मेरे साथ. तो इसलिए आप ना करें इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल. ये चैनल है इसका, ठीक है ना. थेमुंजा कहते हैं बड़े को, यानी कि आर जो है वो कैपिटल है, उसके नीचे O S E ये छोटे रूप में कोरियन थे मुझे. दोबारा जो है ना कोरियन का के बड़ा है, कोरियन T C H R था थे मुझे. देखिए ये जो आर है ना, आर इसका आर बड़ा रखना है और O S E छोटा. उसके बाद के का कोरियन का के बड़ा है, ठीक है ना. उसके बाद टी सी एच आर, ये जो सारे हैं ना ये आपने बड़े रखने हैं. बकाया आर को जो है ना थेमुंजा कहते हैं बड़े को, और बकाया ये छोटे के जो है ना थेमुंजा, और ये छोटे, और बकाया ये सारे थेमुंजा, यानी के बड़े अल्फाज में आपने लिखना है. तो जरूर को खुदो खासे हो को को कहते हैं जरूर को, तो आपने जरूर जो है ना इसको सब्सक्राइब करना है. तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है ना अभी आपको इसी तरह मजीद नेक्स्ट में जो है ना इसके साथ है या किसी और के साथ है, आज ये कल कोई और है. टीचर बहुत ज़्यादा हैं इधर, तो करके जो है ना, और भी दोस्त भी हैं कोरियन, तो उनके साथ भी इंजॉय करा करेंगे बाहर जाके. तो वीडियो बना के अपलोड किया करूँगा मैं, और हर वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरी इगो थे मूल सुगो इगो, ये जो है ना अभी हम इसको आपको बताते हैं कि ये अक्सर जो पाकिस्तान में है ना उनको नहीं पता इसको. मूल सुगम यानी कि पानी वाला सुगन कहते हैं, तोलिए टाइप को, यानी कि हां. तो पूरा 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 नंगो मजा आयो. हम पूरा नंगो
물에 불려놓은 거야. 아니 아니 이거 부르는 거. 어어 푸는 거. 불다 कहते हैं खोलने को. 이따라 이거 खोलना है ठीक है ना ये आपको अगर कहीं मिले इस तरह तो इसमें पानी है ठीक है ना तो अगर आपको कोई हो जाए तो इस तरह आपने इनको फिर जो है ना तकनंगो तकता तकता कहते हैं साफ करने को ठीक है ना तकनंगो सैंडविच तो चीन चुना थे आज आज ओ चीन तो ये देख लें ये जो है ना अभी आपको दिखाना चाह रही है ये आइसक्रीम और जूस लिया था और इसने ये सैंडविच खाना था तो वो भी लिया हुआ है तो वो कह रही मैं दिखाऊंगी आपको तो देख लें बुगनू को तो पोलचता एग सैंडविच एग सैंडविच एग सैंडविच है हम्म मोको पापा जी खाओ को ये देखिए ये तो ठीक है दोस्तों इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी अभी मैं इसकी एडिटिंग करूंगा तो एक एक लफ्ज का जो मानी है वो लिखूंगा और दूसरी बार हाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं गेम्स की मैं उनकी भी वीडियो बना के साथ इसकी अटैच करके अपलोड करूंगा तो दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।